आपको कभी चोट लगी है? आपको चोट लगी कभी? किसी की टांग टूटी यहां पे? आपकी टूटी? टूटी है। तो आप अस्पताल गए, डॉक्टर ने आपको क्या बोला? नहीं, पहले बोला भैया एक काम कर, इसका एक्सरे करा। तो उसने बोला इसका एक्सरे कराओ। आप गए, आप मशीन पे लेटे, आपने अपना पैर ऐसे रखा है, उसने आप पे वो लाइट लगाई और फिर उसने बटन दबाया, बाहर कमरे के गया, फिर उसने बटन दबाया और आपका एक्सरे आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा हाँ भैया टांग टूटी है आपकी। मतलब इलाज से पहले एक्सरे की जरूरत है, एक्सरे के बिना इलाज तो हो ही नहीं सकता। तो जाति जनगणना जो है देश का एक्सरे है। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमें पता लग जाए किसकी कितनी आबादी है और कितना धन किसके हाथों में है। सीधी सी बात। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है। क्या बताओ भैया, हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है क्या? तो जब मैंने जाति जनगणना की बात की, वो कहते हैं भैया सिर्फ दो जात है। अच्छा अब सुनो, कौन सी जात? एक गरीब है और एक अमीर है। मेरा मोदी जी से सवाल, भैया अगर सिर्फ दो जात हैं तो हर भाषण में आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? ये तीसरा जात कहां से उठा ले आए आप? तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए,